दोस्तों होंडा एसपी 125 BS7 का एडवांस वर्जन कब लॉन्च होगा और डेट कंपनी ने रिलीज किया है और बता दिया है क्या क्या मेजर अपडेट इस बाइक पे आएगा। तो इस वीडियो पे आपको मैं इस अपडेट के सारे इन्फॉर्मेशन दूंगा और क्या प्राइस चेंज हुआ है इस बाइक का वो भी आपको मैं बताऊंगा। सो दोस्तों वेलकम टू द डिजाइनर बाइक का चैनल। इस चैनल पे होंडा एसपी 125 रिलेटेड और भी मॉडिफिकेशन वीडियो है, आप लोग जरूर चेकआउट करना। और दोस्त इस वीडियो पे एक आपको टिप्स दूंगा होंडा एसपी का जो मैं मेरे बाइक में करा था, और आपको मैं सजेस्ट करूंगा जो लोग होंडा एसपी 125 खरीद रहे हो आपके बाइक का स्टिकर भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ये देखिए आपका स्क्रीन में है, इसका वीडियो में मैं जल्दी इस चैनल पे लेके आऊंगा। सो दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को क्योंकि वीडियो मिस ना हो जाए आपसे। सो चलिए दोस्त आपको पहले मैं दिखाऊंगा होंडा एसपी 125 का न्यू अपडेट। कंपनी बता रहा है इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है एक थोड़ा बहुत चेंज होने वाला है क्योंकि इस पे आने वाला है जो नया वाला TFT वाला डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और दोस्त नेक्स्ट अपडेट आपको बताऊंगा होंडा एसपी 125 का चार कलर ऑप्शन था जो आपका स्क्रीन में आप देख रहे हो। अपकमिंग जो मॉडल आ रहा है वहाँ पर कोई कलर स्कीम नहीं चेंज होगा, थोड़ा बहुत एक न्यू कलर आ सकता है जो ग्रे और रेड कलर का कॉम्बिनेशन होगा। दोस्त आपको कौन से कलर पसंद है इस चारों में से आप जरूर कमेंट करके बताना क्योंकि मैं जानता हूँ आप होंडा एसपी 125 का बहुत बड़ा फैन हो। होंडा एसपी 125 BS6 में जो पेट्रोल टैंक कैपेसिटी है वो सेम ही रहेगा और जो फेस टू आ रहा है उस पर भी आपको सेम पेट्रोल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगा। कंपनी दावा करती है इस पे 11 लीटर पेट्रोल आता है, बट मैं इस बाइक पे 11 लीटर से ज़्यादा ही पेट्रोल फुल किया था। इसका पेट्रोल टैंक कैपेसिटी 30 लीटर तक आ जाता है, इसका भी वीडियो मेरे चैनल पे है अब जरूर देखना। दोस्त नेक्स्ट अपडेट आपको दूंगा इसका जो फेस टू मॉडल आ रहा है इस पे टायर प्रोफाइल थोड़ा साइज इंक्रीज करने वाला है कंपनी, ये मुझको पता चला डीलर से क्योंकि बहुत लोगों ने इसका जो टायर साइज देख के डिसअपॉइंटेड हुआ क्योंकि इसका टायर थोड़ा मुझको स्मॉल लगा इस प्राइस रेंज पे, बट एवरेज ठीक ठाक है। मैं इस बाइक को करीबन 2 साल से ज़्यादा यूज कर रहा हूँ, मुझको कोई दिक्कत नहीं हुआ। दोस्त नेक्स्ट आपको मेन अपडेट दूंगा होंडा एसपी 125 का जो कंपनी बोल रहा है फेस टू में आएगा OBD2 जो सेंसर इस इंजन पे आ रहा है। इस सेंसर के जरिए आपका बाइक पे थोड़ा बहुत भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो कंपनी इस पे लैपटॉप यूज करके आपको प्रॉब्लम जल्दी से ही सॉल्व कर देगा। दोस्त होंडा बाइक फेमस है इसका साउंड क्वालिटी के लिए क्योंकि इसका साइलेंस स्टार्टर इसको प्रोवाइड करता था कंपनी, बट और थोड़ा एडवांस वर्जन कंपनी लेके आएगा वो है ऑटो स्टार्ट एंड ऑटो ऑफ जो फीचर्स TVS रेडार पे 125 पे मिल रहा था, वही फीचर्स अब आएगा होंडा एसपी 125 पे। दोस्त आपको मैं कहा था वीडियो का स्टार्टिंग में एक आपको टिप्स दूंगा वो है होंडा एसपी 125 का आपको पेट्रोल टैंक मॉडिफिकेशन कर सकते हो एक टैंक पैड लगा के। टैंक पैड लगाने के बाद ऐसा ही लुक लगता है, बहुत ही अच्छा। दोस्त इस तरह से आप भी कर सकते हो आपका बाइक पे। इस वीडियो को आप देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि आने वाले टाइम में इस वीडियो पे मैं इस चैनल पे दूंगा। चले दोस्त नेक्स्ट आपको बताऊंगा बहुत लोग को एक डाउट में रहता है जो होंडा एसपी 125 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा कम है। नहीं फ्रेंड, इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस है 160 mm और इंजन का मॉडिफिकेशन करने के बाद भी आपका ग्राउंड क्लियरेंस 150 तक रहता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा राइड करने के समय। नेक्स्ट अपडेट है इसका एलो व्हील्स थोड़ा चेंज हो सकता है, ये मुझको पता चला, और इसका पीछे का टायर भी थोड़ा अपग्रेड होने वाला है फेस टू बाइक में। दोस्त तो इसका जो प्राइस रेंज चेंज होगा, इसका ऑन रोड प्राइस आपको आ जाएगा कोलकाता बेस शोरूम पे 1,04,000 के अंदर, जो ड्रम वेरिएंट आर डिस वेरिएंट 1,09,000 के अंदर आपको मिल जाएगा। दोस्त अब होंडा एसपी खरीदने वाले हो और खरीद चुके हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि इस चैनल पे होंडा एसपी रिलेटेड बहुत सारा वीडियो आएगा। आपको बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए।